वो पता नहीं कितने को मार के मारेगा। सलमान खान माफी मांगेंगे? माफी क्यों मांगेगा, किस बात की माफी मांगेगा सलमान खान? वो आज हीरो, अरे उसका भाई है उसका तो काले हिरन, अरे काले हिरन को मारा है, काले हिरन को क्या अभी मारा है? इसकी माँ का भोला चेहरा साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। आज इस वीडियो में सलमान खान से जुड़े ब्लैकबक हिरन केस के कुछ ऐसे क्लिप दिखाने वाले हैं जिसे देखकर और समझकर आपको अपना जवाब देना पड़ेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ये जवाब आप तब देना जब इस पूरी वीडियो को आप देख लो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि वो क्लिप ही कुछ ऐसी हैं जिसके बाद आपको समझ आएगा कि खान परिवार झूठ बोल रहा है या फिर सोमी अली। सबसे पहले आपको बता दें कि सलमान खान ने 1998 के अंदर एक ब्लैक बग यानी कि काले हिरण का शिकार किया था और शिकार करने के बाद उस हिरण के मांस को पकाया भी था, जिसके जश्नबीद उसी गांव के लोग हैं जिन्होंने साफ बताया कि हमने सलमान खान को रंगे हाथ पकड़ा था। उसके बाद सलमान खान को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और 5 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि सलमान खान को वहां से बेल मिल गई थी। बात इतनी ही नहीं आती, सलमान खान का एक इंटरव्यू था जो एनडीटीवी पर दिया गया था और उसमें सलमान खान ने क्या कहा, सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए। You know, there was a time that I think this is where it has come from. One day after pack up, we were driving by and there were all of us and there was Saif, there was Tabu, there was Neelam, there was Amrita, there was Sonali. And we saw their phone and he was stuck in a bush and spot and the whole herd was there. So I stopped the car and he was like petrified. So we took him out. I took him out from there and we gave him some water, you know, he was there sitting with us. He was like scared and the whole pack, yeah, what was all the other deers were there, black bugs and hirans there. And then after some time, he ate musk biscuits, silk cows, and then he went to his pack and he went away. Mm-hmm. So I think that is something that it happened about, after pack up, it happened about, we packed up early that day, about 5:36, so we all coming back together. So that is something that happened. And I think from there, this whole thing, इस वीडियो में सलमान खान ने यह कहा है कि जब हम वहां पर शूटिंग कर रहे थे और वहां से अपना सामान पैक करके वापस लौट रहे थे तो हमने देखा कि एक हिरण का बच्चा झाड़ियों के अंदर फंसा हुआ है और हमने अपनी गाड़ी को वहां पर रोका, रोकने के बाद उस ब्लैक बक को बिस्किट खिलाए, बिस्किट खिला के उसको पानी पिलाया, जिसके बाद वो थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ और उसके बाद वो वहां से चला गया, जिसके बाद हम भी वहां से निकल गए। कुछ लोग और थे जिन्होंने हिरन का शिकार किया लेकिन लोगों ने हमारा नाम ले लिया और हम फंस गए थे, ऐसा ही कुछ सलमान खान ने इस इंटरव्यू के अंदर कहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि सलमान खान को लेकर जो गांव के लोग हैं वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद आपको कुछ और चीजें भी सुनवाएंगे। पहले तो ये सुन लीजिए। नहीं, उसके पिता तो कह रहे शिकार की ही नहीं, कॉकरोच। अरे सरासर झूठ बोल रहे हैं वो, नहीं यदि शिकार नहीं किया है तो सुनो, 8 मुकदमे उस पे लगे थे हिरण शिकार के और घोड़ा फार्म हाउस जो मतानिया में है वहाँ सरेआम इनको पकड़ा है ना, जहाँ इनका हिरण का मांस पकाते हुए पकड़ा है और घोड़ा फार्म हाउस में ये दीवार के सामने हिरण टकराया गोली लगने के बाद में, और 2 इधर पड़े थे पास में, 3 हिरणों को मारा। हकीकत बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, 100% सच है बात। एंड इसके बाद में और जिस टाइम ये तो रात की 1-2 बजे की बात है और 8-10 बजे की बात होती, लोग जागते होते तो वो उसको सलमान के बाप को भी पता पर आना पड़ता, वो जिंदा नहीं ले जा सकता था यहाँ सलमान को, मरा हुआ ही जाता वो यहाँ से, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि सलमान को झूठा फंसा रहे, वो उसको जिसका रात का 1-2 बजे का टाइम ने हम सब लोग सो रहे थे, गोली की आवाज़ से जगे थे, 2 आदमी थे सलमान और सलमान सैफ अली खान, ये साथ में हमने आंखों से देखा है और हमने पीछे ही किया, एक लाठी मारी। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, आपको इससे तो पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है।
लेकिन जिस तरीके से गांव वाले ये बोल रहे हैं कि हमने सलमान खान को पकड़ा, हमने लाठी भी मारी और हमने सलमान खान को ही देखा था और तबेले के अंदर वो हिरन का मांस पका रहा था। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, जो सलमान खान के पिताजी हैं सलीम खान, उन्होंने भी कुछ ऐसा कहा जिसके बाद आपको यकीन होगा नहीं होगा, वो भी सुन लीजिए। ये कहना जो है ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने मारा है, मारा ही नहीं है। मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, सलमान ने किसी जानवर को मारा ना, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। इसलिए क्या हम इन चीजों में बिलीव ही नहीं करते। सलमान खान के पिताजी ये बोल रहे हैं कि मैंने और मेरे बेटे ने आज तक किसी भी जानवर को नहीं मारा और हमने तो कभी कॉकरोच को भी नहीं मारा है, तो हम इतना बड़ा शिकार करने की कैसे सोच सकते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, अब सलीम खान झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं ये आपको इस क्लिप को देखने के बाद ही फैसला करना होगा। आपको सबसे पहले ये क्लिप दिखा देते हैं। सलमान को ये नहीं मानता कि वो ब्लैक बक जो है वो इनको वर्शिप उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि जो बिश्नोई ट्राइब है, जो वो जो इलाका है वो इतना एकर्स है, इतना लंबा इतना बड़ा इलाका है कि वहाँ पे इतनी हंटिंग की जाती है। सलमान को हंटिंग का शौक था, मैं सांस देती थी तो जानवर भाग जाता था। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तो नकली खांसती हो ताकि जानवर भाग जाए, क्योंकि मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। ये जो क्लिप आपने देखी है और इसके अंदर जो आपने सुना है वो है सोमी अली, जो सलमान खान की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। सलमान खान की गर्लफ्रेंड ने यह बताया है कि उस वक्त तो सलमान खान मुझे वहां पर नहीं लेकर गए जहां पर उन्होंने शिकार किया था, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया था कि जब वो शिकार कर वापस आए थे तो उनको पछतावा हो रहा था और वो कहते हैं कि मेरे से एक हिरन का शिकार हो गया है और मैं नहीं जानता था कि बिश्नोई कम्युनिटी के लिए ये एक भगवान का रूप है, लोग इसकी पूजा करते हैं, मुझसे गलती हुई है, मैं पछता रहा हूँ इस बात के लिए। अब इतनी बात सोमी अली ने कह दी है तो अब आप ही बताइए कि सोमी अली गलत है या फिर सलीम खान जो सलमान खान के पिताजी हैं, या फिर वो गांव वाले झूठे हैं या फिर सलमान खान खुद झूठे हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हैं और कई सारी क्लिप हमने आपके सामने रख दी है, तो अब आप ही बताइए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, क्योंकि तो हमने अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं रखी, जो भी रखी इनकी बातों को ही रखा और अब फैसला आपने करना है कि आपने बिश्नोई कम्युनिटी का सम्मान करना है या फिर सलमान खान की फैमिली का या फिर लॉरेंस बिश्नोई का, जिसके अंदर एक ऐसा दर्द बैठा हुआ है, एक ऐसा गुस्सा बैठा हुआ है कि वो चाहता है कि हमें कैसे भी करके सलमान खान से माफी मंगवानी है, हमें कोई और लालच नहीं है, हमें सिर्फ सलमान खान का घमंड तोड़ना है, उसने हमारे देवता रूपी हमारे भगवान रूपी हिरन को मारा है और उसने जो गलती है उसकी माफी उसको मांगनी ही पड़ेगी। लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को इस चीज की धमकियां देता हुआ आ रहा है। बात सिर्फ यहां तक भी आई थी कि सलमान खान और सलमान खान की टीम की तरफ से ये कहा गया कि पैसे एक्सटॉर्शन के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन जो बिश्नोई कम्युनिटी है और लॉरेंस बिश्नोई, उन्होंने साफ कह दिया कि हमें किसी के पैसे की कोई जरूरत नहीं है, हमें पैसे का कोई भी लालच नहीं है, हम चाहते हैं कि यहां पर आकर हमारे मंदिर में सलमान खान माफी मांग ले, इसके अलावा कुछ नहीं है और हमारी बिश्नोई कम्युनिटी पूरे तरीके से माफ भी कर देगी। अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं, अब आप अपना जवाब लिखकर जरूर बताएं और आप ये जरूर बताएं कि आप लॉरेंस बिश्नोई की तरफ हैं या फिर सलमान खान को सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।